प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आज फिर परमेश्वर ने समय दिया है आपके बीच में प्रभु के वचन के द्वारा आज बातचीत कर सके। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आज नया ताकत दे, नया ज्ञान दे, ताकि आने वाला दिन में और भी परमेश्वर की महिमा के लिए आप जीवन बिता सके। आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र में लूका का इंजिल को आप खोलें। लूका का इंजिल उसकी 18 अध्याय से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 6-8 वी विल रीड इट। प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोग को न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं। क्या वो उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा करके लिखा है। इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चीनों से एक दृष्टांत के द्वारा बात कर रहे थे। पहला वचन को पढ़ेगा तो लिखा है, आप उसी अध्याय के पहला वचन को भी पढ़ेंगे, 18:1 पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना उनसे यह दृष्टांत कहा। उसके बारे में लिखा है परमेश्वर ने एक दृष्टांत के द्वारा बात कर रहा था। परमेश्वर ने बताने के लिए जाता था, प्रभु की मकसद यह था हम लगातार प्रार्थना करें और याव ना छोड़ें करके लिखा है। आज इस समस्या की समय में हम सब जीवन बिता रहे हैं, सब जगह में हम इस बात को सुन रहे हैं, ऐसा समस्या को हमने सुन रहे हैं। इसके बीच में परमेश्वर की इस वचन आपको हमको ताकत देने पाए। इस वचन में लिखा है हमने प्रार्थना करने की, निरंतर प्रार्थना करने की अवश्य है, याव और विश्वास हमें नहीं छोड़ना करके इस वचन में परमेश्वर एक दृष्टांत के द्वारा बात करने के बारे में लिखा है। आप इस अध्याय को पढ़ेगा तो लिखा है प्रभु ने उस दृष्टांत को हमारे सामने रखा है। आप पढ़ेंगे 18 अध्याय उसकी 2 वचन से लेके हम 6 तक हम पढ़ेंगे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, वो तो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, ना तो किसी मनुष्य की परवाह था ना ही करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, उसने उसके पास आके कहा करती थी मेरा न्याय चुका कर मुझे मुदाई से बचा। कुछ समय तक वह ना माना परंतु अंत में मन में विचार करके कहा यदि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो ताकि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक को दम करे करके लिखा है। इस दृष्टांत में परमेश्वर ने बताने के बाद नेक्स्ट वचन में बता रहा है, से वचन को लिखा है पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या करता है इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। अच्छा सा परमेश्वर ने समझा रहा था ये दृष्टांत को बता के, ऐसा इस संसार में न्याय करने वाले एक मनुष्य के बारे में बता के परमेश्वर ने बोल रहा है हमारा प्रभु ने अपने चुने हुए लोग के लिए कैसा न्याय करेगा करके लिखा है। प्रभु न्याय करने वाला है, प्रभु की न्याय कैसा है और एक व्यक्ति की न्याय कैसा है करके परमेश्वर ने सामने रखे। परमेश्वर के एक मकसद था आप हम
प्रार्थना में लगे रहने के लिए, हमने प्रार्थना में बढ़ने के लिए परमेश्वर की एक इच्छा है। इसलिए इस बात को परमेश्वर ने बोल रहा है, रात दिन प्रार्थना करने वालों के लिए मैं शीघ्र से न्याय करने वाला करके परमेश्वर ने वादा करता है। परमेश्वर के बारे में लिखा है, इस मनुष्य के तो अंदर तो चिंता नहीं है, किसी की फिगर नहीं है, परमेश्वर को डर नहीं है, परंतु बार बार उस विधवा ने विनती करने से उसने अपने डिसीजन को चेंज कर लिया है। उसने जो निर्णय किया है, जो उसकी आदत है, उससे चेंज करने के बारे में बाइबल बतलाती है। परंतु और एक वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर के बारे में लिखा है, उसने कैसा हमारा परमेश्वर न्याय करने वाले हैं, हमारा परमेश्वर क्या उसकी चिंता है करके आप देख सकते हैं। लूका का इंजिल में 13 अध्याय में एक वचन को पढ़ेगा तो लिखा है, 13 अध्याय उसमें 34 वचन को हम पढ़ेंगे। ए यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, तू तो भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला है, और जो तेरे पास भेजे गए हैं, उन पर पथराव करता है, उन पर पथराव करते हैं। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले के पास रखते हैं, इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूंगा, पर तुमने यह ना चाहा, तुमने बदला नहीं है, तुम्हारा मन में परिवर्तन नहीं आया करके परमेश्वर एक बोझ को दिखा रहा है, परमेश्वर अपनी चिंता को दिखा रहा है। आज भी हमारा परमेश्वर की यही वादा है, वो शीघ्र से न्याय करने वाला है, वो परमेश्वर जल्दी से तुरंत न्याय करने के परमेश्वर है। परंतु हमारे जीवन में उस विधवा जैसा प्रार्थना कर रही थी, उस विधवा क्या कर रही थी, कुछ बात को मैं आपके सामने रखने के लिए जाता हूं। उस विधवा के बारे में लिखा है, इस संसार में उसने अपनी न्याय करने वाले के पास जाती थी, परंतु मैं और एक व्यक्ति को भी आपके सामने रखने के लिए जाता हूं। उस व्यक्ति ने इस संसार की न्याय करने वाले के पास नहीं है, उसने परमेश्वर के पास, जिसने बहुत जल्द से तुरंत न्याय करने वाले परमेश्वर के पास विनती रखा है। इस दोनों की विनती को, प्रार्थना को मैं आज सुबह के समय में आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, ताकि आप हम प्रार्थना के जीवन में बढ़ सके। क्यों? प्रार्थना, जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं, उस औरत के बारे में लिखा है, उसकी प्रार्थना की मतलब क्या है करके हम समझ सकते हैं, उसकी विनती की मतलब कैसा उस मालिक के पास गया करके आप देख सकते हैं। सेम वचन को खोलेंगे लूका के इंजिल में 18 अध्याय में आप देख सकते हैं, 3 वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसी नगर में जिस नगर में वो न्याय करने वाला मनुष्य रहता था, उस नगर में वो एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी। लिखा है उसके पास आकर क्या करती थी, एक बार आकर आके नहीं कहके नहीं चला गया है। लिखा है उसके पास आकर, मतलब बार बार उनके पास गया है, बार बार उनसे विनती करने के लिए गया है, क्योंकि उनके जीवन में एक चीज की जरूरत है, न्याय होने की जरूरत है। उनके जीवन में कुछ समस्या है, उनके जीवन में कुछ काम चल रहा है, उससे उसको मुक्त होने के लिए, उसमें से आसाद होने के लिए इस अधिकारी की आंखों से न्याय की जरूरत था। इसलिए लिखा है बार बार उस विधवा ने उसके पास गया है। आज हाथ की मेरा प्रार्थना कितना बार हम करते हैं, बार बार, इसमें लिखा है कंटिन्यूअस हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए पहला वचन में लिखा है, पहला वचन को पढ़ेंगे, पहला वचन को पढ़ेंगे, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करने के बारे में परमेश्वर बता रहा है। उस विधवा ने छोड़ा नहीं, अपनी याव नहीं छोड़ा है, नित्य प्रार्थना करने के लिए उस अधिकारी के पास, उस न्याय करने वाले के पास लगातार जाने लगी। आज आप हम थक जाते हैं समस्या को देख के, इतना महीना से मैं देख रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे आंखों के सामने देख रहा हूं वही हालत में पड़ा है, परंतु बार बार आपको घुटना टेकने की आवश्यकता है, बार बार आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्यों? हमारा न्याय करने वाला, जल्दी से जल्दी न्याय करने वाला परमेश्वर करके उसने वादा किया है। आज उससे न्याय प्रकट होने के लिए आपको उसके पास बार बार जाना पड़ेगा।
उसकी हजूरी में बार बार टहलना पड़ेगा, उसकी सन्मुख में बार बार जाना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर शीघ्र से न्याय कर सके। और लिखा है उस विधवा के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा उस अध्याय को, अध्याय में तीसरा वचन को वापस हम पढ़ेंगे। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे ऊंचाई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि मैंने परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। बस लिखा है तीसरा वचन में आप देखेंगे, लिखा है अच्छा सा लिखा है, पहला उसके पास बार बार गया करके लिखा है, फिर उसने अपनी समस्या को उस न्याय करने वाले के सामने रखती है, अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी किस जगह में उसको न्याय चाहिए उसके बारे में बता रही है, मेरे विरोध कुछ लोग खड़े हैं, मेरे विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, उसके जीवन में न्याय करने के लिए मैं आपके पास विनती लेकर आया करके उसने बोलती है। आज हम और अपनी समस्या को बहुत रूप से हम शेयर कर रहे हैं, बहुत रूप से हम बता रहे हैं, किसी से बात करेगा तो हम बोलते हैं ऐसा हो रहा है, इस स्थिति में है, मेरा हालत ऐसा है, मेरे पड़ोसी की हालत ऐसा है, मेरे साथ रहने वाले की हालत ऐसा है, इस बात को हम और दूसरा किसी से हम बताते हैं, परंतु तो इस औरत ने न्याय करने वाले के पास जाके हर समस्या को बता रही है, मेरे जीवन में न्याय चाहिए करके। आज आपको हमको इस न्याय करने वाले परमेश्वर के पास बताने की जरूरत है, क्या भी समस्या हो, कितना भी बड़ा दिन हो, कितना भी छोटा दिन हो, आप हम घुटना टेक के उस परमेश्वर को अमर अंदर की बात उसके सामने रखने की आवश्यक है। कुछ लोग बाहर की बात परमेश्वर के सामने रखते हैं, परंतु इस औरत क्या समस्या है उस बात को अच्छा सा परमेश्वर से बता रहे हैं, उसकी दास से बता रहे हैं, उसके अधिकारी से बता रहे हैं। आपको वापस उस वजन को हम पढ़ेंगे, 18 को उर्द में हम पढ़ेंगे, तीसरा वजन को हम पढ़ेंगे। एक विधवा थी, उस शहर में एक विधवा थी जो उसके पास आती, जो उसके पास आती है और उससे ये कहा करती थी, उससे ये कहा करती थी कि ऐ मेरे मदई के मुकाबल मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है। लिखा है ये विधवा, उसने खुद बोल रहा है मुझे सताती है, बार बार आके बोलते हैं मेरा समस्या ये है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो न्याय करने की अवश्य है करके उसने अपने विश्वास के साथ बार बार, उसको मालूम है ये जो न्याय करने वाले हैं परमेश्वर से नहीं डरता है, ये न्याय करने वाले हैं इंसान को रेस्पेक्ट नहीं करता है, परंतु फिर भी उसके जीवन में न्याय मिलने के लिए उसने याव नहीं छोड़ा है। लिखा है उसने सताती है, इसके मतलब बार बार जाके बोल रहे हैं। कितना लोग हम करते हैं परमेश्वर से ऐसा विनती करने के बारे में, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और हम देख सकते हैं पांचवा वचन को भी हम पढ़ेंगे, पांचवा वचन को वापस हम पढ़ेंगे। तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, ये विधवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा, मैं इनको इंसाफ करूंगा, न्याय करूंगा, ऐसा ना हो के, ऐसा ना हो के ये बार बार आकर मुझे दक करे, बार बार आके मुझे डिस्टर्ब करें, करते हैं बार बार आके मुझे ये करते हैं करके परेशान होके वो न्याय करने के लिए निर्णय किया है। आज हमारा भी प्रार्थना, हमारा भी विनती ऐसा होना है, परंतु इस व्यक्ति के बारे में, इस औरत के बारे में लिखा है, इस विधवा के बारे में लिखा है, इसने संसार में न्याय करने के वाला के पास गया है। मैं और एक व्यक्ति को बाइबल से दिखाने के लिए जाता हूं जिसकी नाम दानियल है। उसने प्रार्थना करने के लिए इतना अच्छा सा जानते थे, प्रभु ने उसको चुनाया है, प्रभु ने बहुत लोग के बीच में से राजा की महल में काम करने के लिए परमेश्वर ने दानियल को चुनाया है, इसकी वजह से उसने राजा के घर में जाने के लिए, उधर अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, परंतु उसके जीवन में कुछ प्रार्थना के बारे में आपके सामने मैं रखने के लिए जाता हूं। आप पढ़ सकते हैं दानियल नबी की बुक है, उसकी 9 अध्याय 2 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। राज्य के पहले वर्ष में
मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाहट के साथ मैंने प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार की प्रार्थना की है, पाप का अंगीकार किया है। हे प्रभु तुम महान और बड़ी योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप कुटिलता दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को हम लोग ने तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं हाकिमों पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरा नाम से बातें करते थे उनकी हमने नहीं सुना। बहुत अच्छा सा लिखा है, इस वचन में लिखा है दानियल ने ऐसा विनती कर रहा है, ऐसा उसको दर्शन मिला है। ये जो उपद्रव समय है 70 साल तक रहेगा करके उसको मालूम पड़ा है। उसकी बात उसने निर्णय किया है उपवास करके अपने आप को अधीन करके अपने आप को नीचे करके उसने लिखा है परमेश्वर से विनती कर रहा है। न्याय करने वाला परमेश्वर से विनती कर रहा है। उसने कैसा विनती कर रहा है करके 4 वचन में अच्छा सा बता रहा है। आज आपकी मेरा प्रार्थना जल्द से सुनने के लिए हमारा विनती भी ऐसा होने की आवश्य है। इस मनुष्य की विनती को परमेश्वर ने सुना है, परमेश्वर ने उसको अच्छा सा संभाला करके बाइबल में बतलाती है। उस व्यक्ति की तरह आपकी मेरा स्मृति भी आज होने की अवश्य है। 4 वचन को वापस हम पढ़ेंगे। लिखा है, बहुत अच्छा सा लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की है और पाप का अंगीकार किया है। आज पाप की अंगीकार करने की अवश्य है। हम सब जानते हैं हमारा अंदर क्या पाप है, हमारा अंदर क्या गलती है, फिर भी उसकी अंगीकार करने के लिए हमें दिल नहीं है, उसके मानने के लिए हमारा मन में ये नहीं है। इसके लिए इस भजन में लिखा है दानियल ने उसने पाप नहीं किया है परंतु उसने पाप को अंगीकार किया करके लिखा है और लिखा है आगे पढ़ेंगे। हे प्रभु महान और बड़ी योग्य परमेश्वर आप है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। पहला उसने पाप को अपनी पाप के बारे में जानकर अपनी पाप को परमेश्वर के सामने छोड़ना जाता है, बताना जाता है। दूसरा लिखा है परमेश्वर के बारे में बता रहा है आप ऐसा न्याय करने वाले हैं, आप इतना करुणा करने वाला है, आप इतना कृपा करने वाला है, आप इतना दयालु है करके परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास को रखता है, परमेश्वर के ऊपर हमारा याव को रखता है। इस वचन में अच्छा सा लिखा है हम लोग तो पाप करके अधर्म काम में चला गए हैं परंतु आपकी आज्ञा को हम लोग नहीं माना है, फिर भी परमेश्वर की कृपा के लिए उसने प्रार्थना कर रहा है। और भी एक वचन को हम पढ़ेंगे 9 अध्याय में 12-13 को हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा लिखा है इसीलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय में जो वचन लिखा है उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसा विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसे सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही सारी विपत्ति हम लोग के ऊपर आ पड़ी है। तो भी हमने अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म की कामों से फिरे
कामों से फिरे और न तेरे सत्य बातों पर ध्यान दिया, ना तो तेरे सत्य बातों पर ध्यान दिया है। बहुत अच्छा सा लिखा है दानियल की प्रार्थना को, इस वचन को हम देखते हैं बहुत क्लियर उसने बता रहा है। मूसा की जो व्यवस्था की में लिखा है उसकी द्वारा सब विपत्ति हमारे ऊपर आ पड़े हैं, फिर भी अपनी बुराई को अपनी अधर्म की काम को मानकर मन फिराने के लिए लोग को दिल नहीं करके लिखा है। आज भी समय में भी आप हम हमारे जीवन के बारे में चेक करें, आप हम कितना भी समस्या है इस संसार में इसके बीच में भी आपको जानने की आवश्यक है मेरे अंदर कुछ भी अगर गलती हो, अगर कुछ भी अधर्म काम हो, आज परमेश्वर की हजूरी में लेकर आके हम उसको मान के परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करने की आवश्यक है। ये प्रार्थना जल्दी से जल्दी न्याय को लेकर आने वाला प्रार्थना है। दानियल जानता था, इसलिए उसने अपने एक काम को परमेश्वर से बता रहा था। लिखा है लास्ट उस पार्ट में लिखा है 13 में लास्ट को पढ़ेंगे, लिखा बहुत अच्छा लिखा है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए, एक यहोवा को मानने के लिए, हमारा परमेश्वर की बात को मानने के लिए, ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे, ना तो अपना अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान किया। सत्य बातों पर ध्यान नहीं किया है, प्रार्थना करने से सत्य बातों के ऊपर ध्यान करने की आवश्यक है, पापों के बारे में जानने की आवश्यक है और सत्य की बातों के ऊपर ध्यान करने की आवश्यक है ताकि हमारा परमेश्वर की नजर आपके ऊपर लग सकते हैं। दानियल की और एक प्रार्थना के बारे में लिखा है, सेम बुक में हम देख सकते हैं 17 और 18 वचन को भी पढ़ेंगे, 17 और 18 वचन को भी हम पढ़ेंगे। है हमारे परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना, अपनी दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर, गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी मुख का प्रकाश चमका, हे प्रभु अपने नाम के निमित्त यह कर, अपने नाम के निमित्त ये कर, है मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर कान लगा कर सुन, कान लगा कर मेरे प्रार्थना को सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा, आंख खोल के हमें उजड़ी हुई दशा को और उस नगर को भी, आज उस नगर को भी देख जो मैं तेरा कहलाता है, जे देख देखने की आप जान देखना है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने अधर्म के कामों पर नहीं, अपने अधर्म के कामों पर नहीं है, वरन तेरा बड़ी दया ही है, वरन तेरी बड़ी दया ही है के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। आपकी बड़ा दया की कामों के ऊपर भरोसा रख के हमने विनती करते हैं, अपने पाप को अंगीकार करके प्रार्थना करने के लिए आया है। और दूसरा लिखा है सत्य के ऊपर मान के, सत्य की बात को मान के प्रार्थना कर रहा है, और लिखा है आपकी दया के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हैं। कितना लोग को विश्वास है परमेश्वर की दया के ऊपर, कमजोर हो जाते हैं हमारा विश्वास, हम देखते हैं इतना महीना से इस समस्या दूर नहीं हो रहा है और एक एक दिन प्रतिदिन बढ़ के जा रहा है, हर किसी की प्रॉब्लम है, हम सुनते आते हैं परंतु आजकल हम परमेश्वर की बड़े दया के ऊपर विश्वास करने की आवश्यक है। क्यों? हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, इस संसार के रहने वाले न्याय करने वाले के बारे में बाइबल बतलाती है। उस विधवा बार बार उसके पास जाने से उसने परमेश्वर को डरने वाला नहीं है, फिर भी उसने न्याय करने के लिए निर्णय किया है। हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, कितना कृपालु है, अगर आप हम सच्चे तरीका से प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है। परंतु हमें प्रार्थना करने की आवश्यक है, हमें प्रार्थना के लिए वक्त निकालने के लिए आवश्यक है। दानियल के जीवन में वो देश में इतना बड़ा स्थान पर है, उसने इतना अच्छा पोजीशन में आया है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसने परमेश्वर के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए ज्यादा टाइम निकाला है। दानियल के बारे में लिखा है दिन रात वो प्रार्थना करने वाले हैं, कितना भी समस्या हो, कितना भी कानून हो, परंतु उसकी एक के टारगेट है, मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर के साथ है, क्योंकि मैं जानता हूं वही न्याय करने वाला परमेश्वर है। और भी एक वचन को पढ़ेगा तो लिखा है आप 9 अध्याय में 20 वचन को पढ़ेंगे, 20 वचन को पढ़ेंगे, दानियल 9:20 को पढ़ेंगे, इस प्रकार मैंने प्रार्थना करता है और इस्राएली जाति भाइयों को
पाप का अंगीकार करता हुआ उनकी सबके पाप को मैं अंगीकार करते हुए अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख अपनी परमेश्वर यहोवा की सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए उसकी पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता हूँ तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय तुझको मुझको छू लिया है और 23 वचन में लिखा है 23 में लिखा है जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब भी उसकी आज्ञा निकली इसीलिए मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ कि तू अति प्रिय ठहरा है इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात की अर्थ जान ले। इस वचन में लिखा है दानियल की प्रार्थना के बारे में लिखा है तब वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर ने अपनी दूत को भेज के परमेश्वर ने उसको छुया है और परमेश्वर ने उसको बोलने लगा तुम प्रार्थना करने से पहले तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर मिल गया है परमेश्वर ने उसको जवाब देने के लिए मुझे भेजा करके उसको बोल रहा है। उस वचन में लिखा है उस आने वाला समय के बारे में दर्शन भी तुम्हारा सामने रखा गया है करके बता रहा है। दानियल के जीवन में परमेश्वर ने न्याय किया है कितना भी उसकी समस्या उसकी जीवन में आए आप बाइबल में देख सकते हैं उसकी जीवन में क्या क्या विपत्ति आए हैं क्या क्या तकलीफ आया है परंतु उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा है याह को नहीं छोड़ा है परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। अंत में उसको राजा ने भी सिंह के शहर के बीच में डालने के लिए भी गया था उस जगह में भी दानियल ने लगातार प्रार्थना करता था। बाइबल में और भी एक वचन को हम पढ़ सकते हैं रोमियों की बुक है 9 अध्याय उसकी 24 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे अर्थात हम पर जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरना अन्य जातियों से भी परमेश्वर ने हमको बुलाया है जैसे वे ओशा का पुस्तक में भी कहता है जैसा इस नबी की पुस्तक में भी ऐसा लिखा है जो मेरा प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा उसको भी मैंने अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया न थी जो मेरा प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा उसको भी मैं प्रिया कहूंगा और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरा प्रजा नहीं हो उसी जगह में वो लोग को जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे करके लिखा है। आपको हमको परमेश्वर ने जीवित संतान कहलाने के लिए बुलाया है और उसके लिए परमेश्वर ने अलग चुनाया है। अगर आप हम इस परमेश्वर से इस न्याय करने वाला परमेश्वर से आप अच्छा तरफ से प्रार्थना करेंगे सच्चाई से प्रार्थना करेंगे आप समय निकल के प्रार्थना करेंगे जैसा दानियल की प्रार्थना था ऐसा हम प्रार्थना करेंगे मैं विश्वास करता हूं आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो सकता है आपकी प्रार्थना को उत्तर तुरंत मिल सकता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है हमारा परमेश्वर आपकी दुआई को सुनने वाला है ये विश्वास के साथ अगर हम करेंगे जरूर हमारा जीवन में परमेश्वर सुन सकता है। और भी एक वचन को हम पढ़ेंगे रोमियो की बुक में 12 अध्याय उसकी 12 वचन को भी हम पढ़ेंगे आशा में आनंदित रहो क्लेश में स्थिर रहो प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इस दोनों संभव को हम देखे हैं उस विधवा के बारे में हम देखे हैं दानियल के बारे में देखे हैं और प्रार्थना में निरंतर रहे लगातार प्रार्थना किया है करके बाइबल बतलाती है। इस समस्या के समय में निरंतर प्रार्थना की अवश्य है आपकी मेरी निरंतर प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदल सकता है परंतु हमारे पास निरंतर प्रार्थना नहीं है हमारे पास निरंतर और कुछ करने के लिए समय है निरंतर और कुछ करने के लिए हमारे पास वक्त है परंतु निरंतर प्रार्थना करने के लिए मन से निरंतर न्याय करने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए
निरंतर प्रार्थना में लगा रहने की आवश्यक है। और एक वचन भी आप पढ़ेंगे, नव अध्याय रोमियो की बुक में नव अध्याय उसकी 28 भी पढ़ेंगे, 28 वचन तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, प्रभु अपने वचन को पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता में शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। दाकरदा में बहुत शीघ्र से परमेश्वर ने क्या करेगा, सिद्ध करेगा, सिद्ध करेगा करके लिखा है। हमारा परमेश्वर अपने चुने हुए लोग के लिए, जिसको परमेश्वर ने चुनाया है, वो लोग प्रार्थना करेंगे, वो लोग लगातार परमेश्वर से विनती करेंगे। लिखा है बहुत जल्दी से जल्दी परमेश्वर काम को पूरा करेगा। आज आपके सामने पहाड़ की तरह बड़ा प्रॉब्लम होगा, पहाड़ की तरह समस्या होगा, सब कुछ बंद की बारे में देखा होगा, सब कुछ रास्ता बंद पड़ा होगा, परंतु विश्वास रखें हमारा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, वक्त निकालने के लिए अर्पण करें, प्रार्थना की अवश्य है। यीशु मसीह के पास लोग जा रहे थे, उस समय परमेश्वर ने चीलों लोग के साथ था, यीशु मसीह ने अंतिम समय में परमेश्वर ने बोला है विपत्ति से बचने के लिए, विपत्ति के समय से बचने के लिए लगातार प्रार्थना करने की अवश्य है। प्रभु ने उनकी चीलों से बोला है, एक गिंडा आप जागते रह के प्रार्थना नहीं कर सकते करके बोल रहा था। आज चेक करें कितना वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं, न्याय करने वाले से कितना समय हम पुकारते हैं, बाकी लोग से बोलते हैं इस संसार में ऐसा है, ऐसा हो रहा है, उधर समस्या हो रहा है, वो लोग पे जाप चला गया है, उन लोग को प्रॉब्लम है। आज इस बात को सुनने वाले भाई बहन आप प्रार्थना करने की अवश्य है, क्यों हमारा परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। थोड़ा प्रार्थना करके छोड़ना नहीं, लगातार प्रार्थना करें, लगातार टाइम निकालें। आप घुटना टेकने के लिए सीखें, सब कुछ टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं, घुटना टेकने के बारे में भूल गए हैं। परंतु बाइबल बतलाती है दानियल के पास सब कुछ था, लोग कितना उस देश में रहते थे 10 गुना ज्ञानवान करके बाइबल बतलाती है, सब स्टूडेंट से उसने 10 गुना ज्यादा दिमाग वाले स्टूडेंट करके बाइबल बतलाती है। उसकी आदत देखें घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा है। आज बाकी देखने के लिए, टैब देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, सब कुछ के लिए हमारे पास टाइम है, बट घुटना टेकने के बारे में बच्चे लोग भूल गया है, बड़ा लोग भूल गया है, टाइम नहीं है। बाइबल बतलाती है हमारा परमेश्वर न्याय करने वाले हैं, तब न्याय करेगा। आप हम प्रार्थना करेंगे, जिसको परमेश्वर ने चुनाया है, आप लोग प्रार्थना नहीं करेगा तो कौन इस देश के लिए, कौन अपने लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज प्रार्थना की जीवन को पढ़ने की आवश्यक है, और भी हम पढ़ेंगे योहन्ना का इंजिल में, मैं अंत करने के लिए जाता हूं। और एक वचन को आप पढ़ सकते हैं योहन्ना का इंजिल में 12 अध्याय में 46 से लेकर 48 तक हम पढ़ेंगे। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरे बात को सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया, मैं उधार करने के लिए इस जगत में आया हूं। आगे भी पढ़ेंगे, आगे वाले वचन भी पढ़ेंगे, जो तुझे तुच्छ जानते हैं और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाले तो एक है, अर्थात जो वचन में न कहा है, वह पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, हम पढ़े हैं, लिखा है, परमेश्वर ने बोल रहा है, मैं इस संसार को नाश करने के लिए नहीं है, उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं न्याय नहीं करेगा। इस वचन में लिखा है मैं उनको दोषी नहीं ठहराएगा, परंतु मेरा पवित्र वचन जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम किसी को भेजते हैं, वो वजन को अगर नहीं मानेंगे, वही वजन हमको एक दिन न्याय करेगा, वही वजन हमको एक दिन दोषी ठहराएगा करके लिखा है। आज इसलिए परमेश्वर की बात मानने की अवश्य है, परमेश्वर के वजन के अनुसार चलने की अवश्य है। वजन संगीता की बुक में दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, दाऊद ने प्रार्थना के बारे में बता रहा है। आज मैं आपके सामने इस प्रार्थना के बारे में आपके सामने रखा हूं, हमारा परमेश्वर जल्दी से जल्दी न्याय करने वाला है, परंतु हम प्रार्थना में लगा रहने की अवश्य है, निरंतर प्रार्थना करने की अवश्य है। हम देख सकते हैं दाऊद की जबूर की बुक में 66 में 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे,
यदि मैं मन में अनंत की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी ना सुनता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है अपने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है धन्य है परमेश्वर जिसने तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है परमेश्वर अपनी प्रार्थना को दूर नहीं करता है, करुणा को दूर नहीं करता है, परमेश्वर जरूर सुनता है। परंतु दानियल की तरह हम अपनी पापों से परमेश्वर के सामने अंगीकार करके, हम अपना परमेश्वर के पास पवित्र करके, और हमारे लिए नहीं है और भी संसार के पापों के लिए भी हम परमेश्वर के सामने आके हम प्रार्थना करने की अवश्य है, निरंतर प्रार्थना करने की अवश्य है। और भी एक वचन में लिखा है 65 में, वचन संहिता की 65 है उसकी 2 वचन में भी लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, ये प्रार्थना की सुनने वाले हैं, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आज इस सुबह के समय में हमारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आपके जीवन में आप प्रार्थना में लगा रहने की अवश्य है, आप लगातार प्रार्थना करने की अवश्य है, लगातार परमेश्वर के पास विश्वास करने की अवश्य है। ये दोनों चीज आपको जल्दी से जल्दी न्याय को लेकर आएगा आपके जीवन में, इस संसार में, सब जगह में परमेश्वर जल्दी से जल्दी कृपा करेगा करके विश्वास करें। जरूर मैं विश्वास करता हूं आप प्रार्थना में बढ़ने की अवश्य है। मेरा इस मैसेज की टॉपिक है, इस मैसेज की इस यही मकसद है, परमेश्वर की यही इच्छा है आप हम लगातार प्रार्थना करने वाले बने, उसकी वजह से तुरंत हम उसकी न्याय को देख सकते हैं, जरूर हम देख सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आय से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।